सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही नए जज मिलने वाले हैं। कोलेजियम ने हाई कोर्ट के 5 जजों को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का न्याय बनाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। इनमें राजस्थान, मणिपुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1-1 जज और पटना हाई कोर्ट के 2 जज शामिल हैं। जिन जजों के नाम भेजे गए हैं उनमें जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस दत्ता को शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय में अब 6 पद खाली हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 12 दिसंबर को ही बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई थी। इस वीडियो में आपको इन 5 जजों के बारे में बताएंगे। जस्टिस पंकज मित्तल। पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनका जन्म 17 जून 1961 को हुआ। 1985 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। एडवोकेट कोटे से जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, फिर 2008 में परमानेंट हो गए। 2021 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे। 4 जनवरी 2021 को इन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इसके बाद वो राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। जस्टिस संजय करोल। पटना हाई कोर्ट के चीफ जज संजय करोल का जन्म 23 अगस्त 1961 को हुआ। जस्टिस करोल हिमाचल प्रदेश के जिला कंगड़ा तहसील देहरा गोपीपुर के रहने वाले हैं। 1986 में एक वकील के रूप में काम शुरू किया। मार्च 2007 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए और अप्रैल 2017 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला। नवंबर 2018 को त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर नवंबर 2019 में बतौर चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट पहुंचे। जस्टिस पीवी संजय कुमार। मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार 14 अगस्त 1963 को हैदराबाद में पैदा हुए। 1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की और वकालत की प्रैक्टिस में शुरू की। संजय कुमार अगस्त 2008 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। जनवरी 2010 में उन्हें स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया। 14 अक्टूबर 2019 को उनका तबादला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया। फरवरी 2021 में जस्टिस पीवी संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला 11 मई 1963 को पैदा हुए। केमिस्ट्री में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री ली। पटना लॉ कॉलेज से लॉ किया। 19 जून 2011 में पटना हाई कोर्ट के में नियुक्त किया गया। करीब 10 साल बाद अक्टूबर 2021 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो गया। कुछ महीने बाद ही जून 2022 में फिर पटना आ गए। जस्टिस मनोज मिश्रा। जन्म 2 जून 1965 को हुआ था। मिश्रा ने साल 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली। दिसंबर 1988 में वकील बने। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में नागरिक, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक मुद्दों पर बहस की। नवंबर 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही एडिशनल जस्टिस बने। मनोज मिश्रा अगस्त 2013 में हाई कोर्ट के स्थायी जज हैं।